नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक कॉल और मैं हूं आपके साथ अजनी कुमार सिंह। चार बजे हम आपसे सीधे जुड़ते हैं और किसी एक मुद्दे पर आपकी राय लेते हैं। और आज का जो मुद्दा है वो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार लाख दावा करे, लेकिन एमपी से, मध्य प्रदेश से जो खबर आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। राजधानी भोपाल में 24 घंटे के अंदर चार बच्चियों के साथ रेप की खबर आती है और उसमें तीन जो वारदात है वो उनके रिश्तेदारों ने, उनके सगे संबंधियों ने, नजदीकियों ने किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब बच्चियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है? मामा का राज चल रहा है, भांजियां सुरक्षित नहीं है? और भोपाल में जिस तरीके से चार रेप के मामले आए चार अलग अलग जगहों से, वो दिल दहला देने वाले हैं। बजरिया, शाहपुर, नेताशपुर और गांधीनगर थानों में मामले दर्ज हुए हैं और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, बाकी दो की तलाश की जा रही है। वह इंदौर से भी पुलिस ने जाति के मामले में दो के साथ छेड़छाड़ और दो के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और मानपुर मंदिर के पास एक युवक ने 20 साल की युवती को अपने हवस का शिकार बनाया। साथ ही एमआईजी क्षेत्र में कुशवाहा नगर से भी खबर, जहां पर अलग अलग दो छेड़खानी के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस फिलहाल सभी मामलों की जांच कर रहे हैं और आए दिन दुष्कर्म की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे में आपसे सवाल यह है कि क्या सख्त कानून बनाने के बाद भी सरकार विफल है, हमारे पुलिस प्रशासन विफल है, या इसमें हमारी आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि जो ये चार मामले हुए उसमें तीन मामले ऐसे थे जिनमें नजदीकियों के ऊपर ही रेप करने का आरोप लगा है। जब अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर में, अपने परिचितों के साथ बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहां बच्चियां सुरक्षित होंगी? और इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या सरकार की नाकामी है, पुलिस प्रशासन की नाकामी है, या हमारे आप और समाज की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि लगातार रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और जो भारत के तीन ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा रेप की वारदात होती है उसमें मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर यूपी है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। और जो रिपोर्ट हमारे पास है 2016 तक के जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसके मुताबिक एमपी में 4,882 मामले, हालांकि ये पुराने आंकड़े हैं लेकिन अभी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब शिवराज सिंह चौहान ने नाबालिग से रेप करने को लेकर अब कड़ी कानून की व्यवस्था की है, फांसी तक का प्रावधान किया, लेकिन इसके बावजूद भी 24 घंटे के अंदर चार चार रेप की घटनाएं होती हैं। इसके बाद छिड़खानी की अलग अलग जो घटनाएं होती हैं उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या कानून बना देने मात्र से ही कुछ नहीं होगा? कानून का खौफ होना चाहिए, सरकार की विफलता है इसके लिए, कानून की व्यवस्था है इसके विफलता है इसके लिए, पुलिस प्रशासन की विफलता, या हमारी और समाज की भी कुछ इसमें विफलता नजर आ रही है? जो भी आपकी राय हो आप सीधे हम तक जुड़िए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप फोन करिए और अपनी राय हम तक पहुंचाएं, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है और नेताओं से आज कोई बात नहीं करनी है, सीधे आपसे हमको बात करनी है। आप अपनी राय दीजिए कि इसके पीछे आखिर क्या वजह आप देखते हैं। दिल्ली की बात के लिए, जहां हम लोग रहते हैं, इसको माना जाता है कि महिलाओं के लिए जो सर्वे आया था, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है ये राजधानी दिल्ली। और सबसे ज्यादा जो रेप की खबरें आती हैं, सबसे ज्यादा रेप के जो आंकड़े हैं वो एमपी से है, दूसरे नंबर पर यूपी है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है। अब ऐसे में आप अपनी बात रखिए कि इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? क्या सरकार की नाकामी है, पुलिस प्रशासन की नाकामी है, या फिर सामाजिक दायित्व भी कुछ है? किरण भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। किरण, एमपी में 24 घंटे के अंदर चार रेप की खबरें आती है और तीन परिचित लोग ही करते हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्या देखती है, क्या वजह है ऐसी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है? की वारदातें लोगों की गंदी सोच, जो लोग सोचते हैं कि लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, या फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि वो सतर्क रहे, लोगों की सुरक्षा करे, महिलाओं को सुरक्षित रखे, लेकिन जो नाकाम होते रहे। मामा के राज में, कहने को मामा का राज है लेकिन महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, घर से निकलने में भी उन्हें डर लगा रहता है। किरण, लेकिन यहाँ तो घर के अंदर सेफ नहीं है ना, जो चार में से जो तीन वारदातें हुई हैं उनके रिश्तेदारों ने किया, उनके परिचितों ने किया है, किस पे भरोसा किया जाए?
इस पर लोगों की सोच है कि उनके घर वाले कैसे हैं, लोगों का दिमाग क्या कह रहा है, लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए ताकि घर में ही शैतान दरिंदे पनप रहे हैं, उससे लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल किरण, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत की। तो आप भी अपनी राय रखिए क्योंकि मामला काफ़ी संवेदनशील है और संवेदनशील मसले पर आपकी राय बहुत ज़रूरी है। अपनी राय रखिए क्योंकि भोपाल में 24 घंटे के अंदर 4 रेप की घटनाएं होती हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 जो मामले आए हैं वो कहीं ना कहीं परिचित लोगों ने ही किया है। गांधीनगर पुलिस के मुताबिक शाम करीब 5 बजे ईदगाह हिल्स निवासी फरहान आसाराम चौराहे के पास रविदास नगर निवासी चौथी की छात्रा 9 साल की उम्र की बच्ची थी, उसके साथ रेप किया। आइसक्रीम दिलाने के बहाने उसको ले गया और उसके साथ रेप किया और गश्त करते समय पुलिस वहां पर पहुंची और कार सुनसान जगह जब खड़ी देखा तो वहां जाकर पूछताछ की, तो उसके बाद आरोपी पकड़ा गया। मानसी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानसी, आप क्या कहेंगी, ये जो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं इसके पीछे की वजह आप क्या देखती हैं? इसके पीछे की वजह सर मुझे एक ही नजर आती है कि लोगों की मानसिकता सबसे बड़ी चीज, बेशक चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे अनपढ़ हो, इनसे कोई मतलब नहीं होता, बस लोगों की मानसिकता जो है वो लोगों को बदलने की बहुत बहुत ज़रूरत है। एक ही जगह पे अगर उनकी बहन जाती है तो देखने का और बोलने का नज़रिया अलग होता है, अगर उसी जगह कोई दूसरी लड़की जाती है तो उसको देखने का और उससे बोलने का नज़रिया वहाँ पे अलग हो जाता है लोगों का। तो अगर वो ये चीज़ सोचें कि वो हमारी उस जगह कहीं हमारी बहन भी हो सकती है और हमारी जगह कोई और भी हो सकता है, तो कभी अगर हम आज किसी की बहन को हानि पहुँचा रहे हैं तो कल हमारी बहन को भी कोई हानि पहुँचा सकता है। बहुत बड़ी बात बोल दी मानसी, यही सोच तो लोगों की नहीं है, वो भूल जाते हैं उनके घर में माँ बेटियाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। शिवानी हमारे साथ बनारस से है। शिवानी, दुष्कर्म की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और MP 1 नंबर पर, आपका UP 2 नंबर पर, महाराष्ट्र 3 नंबर पर, इसके पीछे की वजह आप क्या समझ पाती हैं? मैं ये जानती हूँ कि ये जो पुलिस है वो कड़ाई से कोई भी चीज का पालन नहीं करती है। सुरक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए उनको कि बहुत अच्छे से लड़कियों, अगर कोई महिला जाती है उसके संग रेप हुआ रहता है या कोई दुर्घटना हुई रहती है तो कम से कम उसकी बातें पूरी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से कोई भी ऐसा कोई ना कर सके कि उसको वापस से कोई रिपीट ना कर सके किसी दूसरे पे। शिवानी जी, आज जो हम जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, भोपाल में 4 रेप की घटनाएं होती है 24 घंटे के अंदर और जिसमें 3 मामले हैं, इसमें पड़ोसी रिश्तेदार इन्हीं लोगों पर आरोप लगा है कि उन लोगों ने बच्चियों के साथ, कोई 4th में पढ़ने वाली, कोई 9th पढ़ने वाली, कोई 10th पढ़ने वाली, इन बच्चियों के साथ रेप किया गया। अब पड़ोसी और रिश्तेदार ही अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो हम कैसे मानेंगे हमारी बच्चियां कहाँ सुरक्षित हैं, किनके बीच सुरक्षित हैं? जी यही तो बात है ना कि ऐसे लोगों को तुरंत फांसी का प्रावधान होना चाहिए, तुरंत ही फांसी का प्रावधान होना चाहिए। उसका उम्र नहीं देखना चाहिए कि वो 14 साल का है कि 18 साल का है कि 22 साल का है कि 60 साल का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी, क्योंकि जहां से ये खबर आई है MP में, वहां फांसी का प्रावधान है, वहां की सरकार ने प्रावधान कर भी दिया है और कुछ एक लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को कोई खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं है लोगों के अंदर कि भाई अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। और नाबालिग बच्चियों जिनकी उम्र 9 साल है, 10 साल, 14 साल, इन लोगों को अपने हवस का शिकार ये दरिंदे बना रहे हैं और ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है, पुलिस की, सरकार की, समाज की? आप क्या सोचते हैं, अपनी राय सीधे हम तक पहुंचाइए, क्योंकि शिवराज सिंह बोलते हैं कि मैं भांजियों का मामा हूं, मामा है लेकिन मामा के राज में भांजियां सुरक्षित नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चियां कहां सुरक्षित रहेंगी, जब अपने घर में पड़ोस में सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित रहेंगी? मदन कंबोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या राय रखते हैं आप? हाँ नमस्कार साहब, ये बहुत ही आपने बर्निंग इश्यू उठाया है जो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है जी। और इसका विशेष रूप से जो राजधानी है, जो बड़े शहर है, उसमें ये वारदात ज्यादा पाई जा रही है। हाँ। तो इसमें मेरा मानना ये है कि शासन स्तर पे जो वरिष्ठ नागरिक है उनकी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। हाँ। और उनसे इस बारे में संपर्क करना चाहिए कि भाई समाज के अंदर ये जो फैल रहा है हम लोग इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं। हाँ। और जहाँ तक लड़के लड़कियों का सवाल है और ये जो खास रिश्तेदार ही इस घटना को कर बैठते हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि
आजकल का जो खान पान है, पहले सादा खाना होता था, सादा विचार होते हुआ करते थे, तो इस वजह से वो और परिवार में शिक्षा का एक प्रथा थी कि बच्चों को कैसे रहना कैसे नहीं रहना है। लेकिन आज के जमाने में ये संपर्क भी टूटता जा रहा है बुजुर्गों के बीच में और नई पीढ़ी के बीच में। जहां तक पुलिस की बात है या कानून की बात है सर, मैं समझता हूँ ये जो पुलिस आजकल की है, ये जब कोई घटना हो जाती है ये तभी जाके दो चार डंडे मार देते हैं वहां। बाकी इस पुलिस से एक्सपेक्ट करना कि ये कानून लागू करेंगे, कानून आप कितना ही बड़ा बना दीजिए, लेकिन ये कानून काम करने वाला, इन्हें तो पैसे से मतलब है। ये एक बहुत बड़ी वजह आपको नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भी दर्शक हमारे साथ हैं, बहुत महत्वपूर्ण राय आपने दी है। अंशु राजपूत हमारे साथ मोतिहारी बिहार से है। अंशु, दुष्कर्म की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? और जिस राज्य से खबर आई है भोपाल से, वहां पर तो फांसी का प्रावधान सरकार ने किया, इसके बाद भी मामले रुक नहीं रहे। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था रेप की घटनाओं की लगातार बढ़ोतरी होने पर, लेकिन उसके बाद में मध्य प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हम देखें आंकड़ों के मुताबिक देखें सर, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार भी होते हैं। तो इसके पीछे का मेरा मानना है कारण कि जो हमारी सामाजिक स्थिति है, जो हमारी सोच है, सोच का स्तर लगातार इतना गिरता जा रहा है कि कभी आप 14 महीने की 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज का जो हमारा है, जो हमारा सामाजिक नजरिया है, अब गिरता जा रहा है, संस्कारों की कमी आ रही है हम लोगों में। और इसका सुधार कहीं ना कहीं अगर हम सामाजिक जागरूकता अगर बढ़ाएं, समाज में लोगों को इन चीजों के खिलाफ, फिर ये मान लिया, जैसे हम लोगों के समय में एक नैतिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम होता था, पढ़ाया जाता था, लोगों को जागरूक किया जाता था। हमको लगता है कि अपने घर से ही लोगों को, अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल, आज जैसे सर होता है कि जब बच्चियां होती हैं, जब छोटी होती हैं, तो उनको पता होता है कि लड़कों से दूर होना है, लड़कों से कम बात करना है। 2 साल 3 साल की लड़कियों को भी पता होता है कि लड़कों से दूर रहना है। तो एक सामाजिक स्थिति बन गई है, लड़कियों में असुरक्षा का भाव बचपन से होता है, लेकिन वही लड़के होते हैं, लड़कों में ऐसी चीजें नहीं होती है। लड़कियां खुद को सुरक्षित रखती हैं, बचपन से सुरक्षित रखती हैं, और कहीं ना कहीं एक दूरी बनाकर रखती हैं। बहुत बड़ी आपने, बहुत बड़ी बात आपने रखी है कि लड़कियों के दिमाग में उनके माँ बाप ये बात भर देते हैं कि भाई आपको सुरक्षित रहना है, लेकिन अपने लड़कों को वो नहीं सिखाते हैं कि आपको भी दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत करना है। तो कहीं कहीं ये एक बहुत बड़ी बात इस डिबेट में ये समझ में आई है कि ज्यादातर लोग जो गार्जियंस हैं, माँ बाप हैं, हम लोग भी अपने बहनों को, अपने बेटियों को कहते हैं कि भाई देख के चला करो, किसी को जवाब मत दिया करो। अपने लड़कों को कोई नहीं समझाता है कि भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप कम से कम सुधर के चलिए, आप दूसरे के बहन बेटियों की इज्जत करिए। तो कहीं कहीं एक ये भी एक बड़ी वजह सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून कितना भी कड़ा ला दिया जाए, कानून पालन कराने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरकार की है, प्रशासन की है, पुलिस की है? पुलिस का कोई खौफ नहीं है? अगर शिकायत लेकर कोई लड़की जाए तो उसे तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। सामाजिक लोक लाज के डर से तो बहुत सारे लोग तो जाते ही नहीं हैं। ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं तो वो आंकड़े हैं जो दर्ज हुए हैं। ऐसे तमाम जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामले हैं जो कि पुलिस थाने तक लोग पहुंचते नहीं। कुछ दिन पहले आपने KBC का एक प्रोग्राम देखा होगा जहां पर बिहार की खबर आई थी, वहाँ के बारे में वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि उनके साथ रेप होता है, तो उसके खिलाफ लोगों को पुलिस में जाकर थाने में FIR भी करना है। लोगों को लगता था कि वो कच्ची शराब बेचती हैं महिलाएं, लड़कियां, और शराब पी कर लोग रेप कर देते हैं, कॉमन सी बात है, उनको अपने अधिकार के बारे में भी नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ें जब आप TV पर आप देखते हैं, चाहे KBC हो, चाहे कोई शो हो, या हमसे आप बात कर रहे हैं, तो इसको देखने के बाद, ड्राइंग रूम में TV देखने के बाद बहुत दुख लोग जताते हैं कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन अगले दिन उसको लोग भूल जाते हैं और अपने ही बच्चों को हम लोग संस्कार नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह क्या है? सरकारें इसमें विफल हो पा रही हैं, पुलिस प्रशासन नाकाम हो रहा है, या हमारी आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है? समाज में गिरावट आ रही है, नैतिकता का पतन होता जा रहा है, तमाम सारी चीज़ें क्या आपको समझ में आता है? आप हमको फ़ोन करिए और अपनी राय हम तक पहुँचाइए। क्योंकि अब सोचिए, राजधानी दिल्ली की बात कर लें, राजधानी दिल्ली को सर्वे में कहा गया है कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। जब आप देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर घोषित कर दिया गया है, तो आप सोचिए कि बाकी राज्यों का, बाकी शहरों का क्या हाल होगा। तो इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? आधुनिकता की दौड़, आवश्यकता से ज्यादा नेट, इंटरनेट, मोबाइल, TV, सिनेमा का इस्तेमाल, क्या
इसके पीछे की वजह क्या है? नैतिकता का पतन, सरकार की विफलता, क्योंकि एमपी की बात कर लें, वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं तो मामा हूँ, भांजियाँ मेरी हैं। अगर उनके राज्य में, उनके राज्य में भांजियाँ सुरक्षित नहीं हैं। अजमल अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजमल जी, रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कानून 2012 निर्भया कांड आपको याद होगा, उसके बाद से लगा कि भाई एक आंदोलन सा छिड़ गया, लेकिन फिर आज 6 साल बाद अभी भी हम वही डिबेट कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं कि बाकी ये मामले रुक नहीं रहे हैं, पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? देखिए, बताना चाहूंगा सर, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता है, कोई रिश्ता नहीं होता है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों पे क्रिमिनल लोग अपनी चंवर सीमा पर है, तो सर उसमें जो है हमारी सरकार को कड़ी सख्ती से पेश आना चाहिए और ऐसे क्रिमिनल को जो है सख्त सख्त सजा दे करके जेल भेजना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा जो है क्रिमिनल केस ना हमारे सामने आए, बच्चियों पर रेप ना हो। आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों पर रेप हो रहा है, तो स्त्री का प्रावधान पास होना चाहिए ताकि ये काम करते हुए लोग जो है थर्राए। सर, कानून है, जिस राज्य से खबर आज जिस मुद्दे की आज हम बात कर रहे हैं, भोपाल में 24 घंटे में 4 रेप होते हैं, वहां पर फांसी का प्रावधान है, और इन 4 में से मैक्सिमम बच्चियां नाबालिग थी, और नाबालिग पर रेप से वहां पर फांसी का प्रावधान किया गया, कुछ लोगों को फांसी सजा दी गई, लेकिन इसके बावजूद लोगों को खौफ नहीं है कानून का। जी सर, बताना चाहूंगा 100 नंबर की बात भी 100 की, अगर आप 100 को भी 100 को कॉल कर जी तो नंबर आता है, इतने में कोई भी घटना घट सकती है। हाँ। तो पुलिस तरीके से जो है व्यवस्था ठीक नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, कहीं कहीं ये भी एक वजह है, क्योंकि दिल्ली वाला मैटर वही हुआ था कि आप डायल 100 पर फोन करिए, और पुलिस वाले उसको बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कहीं कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन उसको अमल में लाना ये भी उनकी जिम्मेदारी है, उसको अमल में कैसे लाया जाए, उसमें क्या अपडेट हो रहा है, कितना कारगर हो रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। क्योंकि अगर कोई राज्य रेप में नंबर 1 बना हुआ है और काफ़ी लंबे समय से बना हुआ, तो उसको सोचना पड़ेगा। एमपी की बात करो तो एमपी में कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि वो रेप के मामले में नंबर 1 पे है, ये काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें, ये आंकड़े आते, ये आंकड़ा कोई मीडिया का नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है कि रेप के मामले में एमपी नंबर 1 पे है। तो ऐसे में वहाँ की सरकारों को चिंता क्यों नहीं होती है? सरकार ने हालांकि वहाँ पर रेप को लेकर फांसी का प्रावधान का कानून लाया, सब कुछ किया, लेकिन अगर ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं तो इस पर मूल्यांकन सरकार को क्यों नहीं करना चाहिए? और जो भोपाल में गांधीनगर की खबर थी, वहां पर एक बच्ची को आइसक्रीम देने के बहाने रेप कर दिया गया, और भोपाल के शाहपुरा में 7वीं कक्षा की छात्रा का था, उसके पड़ोस के लोगों ने रेप कर दिया, और भोपाल के निषादपुरा से खबर आ रही जहां पर 13 साल की बच्ची के साथ उसी के परिचित ने दुष्कर्म किया, और वो बच्ची गर्भवती भी हो गई है, बहुत डरी सहमी, किसी को डर के मारे नाम तक नहीं बता पाती है। 5वीं जो अगली जो चौथी खबर है वो बजरिया से खबर, जहां पर खुशीपुरा में 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। विनीत शुक्ला हमारे साथ इलाहाबाद से है। विनीत, लगातार रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कानून कड़े बन रहे हैं, लेकिन मामले रुक नहीं रहे हैं, इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार सत्ता में आने के बावजूद भी अपने मतलब उस वादे को पूरा नहीं मतलब कर पा रही है, जिसके लिए उन्होंने साल 2017 में एक मुख्य एजेंडा किया था, तो पूरी तरह यहाँ पर सरकार के तमाम दावे और वादे पूरी तरह ध्वस्त नजर होते दिख रहे हैं। लेकिन विनीत, अब ये जो तीन जो खबरें हैं इसमें पड़ोसी ने आके पड़ोस की बच्ची के साथ रेप कर दिया, ये जो रेप घटनाएं हुई हैं वो पड़ोसी रिश्तेदारों ने ज्यादातर की है, तो ऐसे में सरकार घर में आके कितनी सुरक्षा करेगी? हमारी आपकी समाज की क्या जिम्मेदारी है? हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है कि यहाँ पर सरकार मतलब कि हर घर में जाकर सुरक्षा नहीं मतलब कर सकती, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जाकर तमाम इतना सुरक्षा व्यवस्था को इतना मतलब टाइट करके रखें कि ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा हो न सके जो वहां पर हुई है। मतलब इसमें समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ पुलिस और सरकार को ही करना चाहिए, हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब पुलिस का रवैया उसके प्रति बिल्कुल सही रहेगा तब जाकर दोनों पक्षों से तब यहाँ पर समाज भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाएगा। ठीक है, मतलब आपका ये मानना है कि कानून का खौफ होना चाहिए, और आप जहां से हम भी इलाहाबाद से आते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि भय बिन होत न प्रीत पराई, तो वहां पर डंडा से ही लोगों को अक्ल आती है, तो इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि कानून का पालन कड़ाई से किया जाए। तो आप भी अपनी राय रखिए, और हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस पर फोन करिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। भोपाल में, एमपी की राजधानी भोपाल में 24 घंटे के अंदर 4 रेपी घटनाएं होती, जिसमें
चारों नाबालिग हैं। अब आप सोचिए, नाबालिग बच्चियों, 9 से 14 साल तक की बच्चियों के साथ रेप किया गया है। सत्या पाठक हमारे साथ बनारस से जुड़ गए हैं। सत्या, 9 साल से 14 साल की चार बच्चियों के साथ रेप 24 घंटे के अंदर भोपाल में होता है, वहां पर फांसी के प्रावधान की भी सजा है, लेकिन इसके बावजूद ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं और एमपी नंबर 1 रेप के मामले में, आपको क्या वजह नजर आती है? मेरे को ये नजर आती है, वहां की प्रशासन, वहां की जनता, वहां का सामाजिक व्यवस्था में बहुत खामियां हैं। अच्छा, खामियां ये है, लोग एक दूसरे के लिए सही नेचर और स्वभाव से नहीं देख रहे हैं जी। और दूसरी चीज क्या है, वहां की प्रशासन जो है हर चीज को बहुत हल्के से ले रही है, सरकार हल्के से ले रही है, इस पर बहुत ही बड़े स्तर पर इस चीज को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ पर फांसी के प्रावधान की व्यवस्था की है, लेकिन लगता है कि फांसी का कानून ला के इसके आगे भूल गए कि अमल में कैसे ना, 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 ना। ये देखिए, ये जितने भी रेप की घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाएं, इसमें भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैटर बन जाता है। आप किसी को अगर सजा देना चाहते हैं तो कुछ पॉलिटिकल लीडर जो है इसको क्या है सपोर्ट करते हैं, हाँ। बोलते हैं कि भाई ऐसा हो गया, गलती हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, उसको हमको देखना पड़ेगा। इसमें सभी की सहभागिदारी है, सभी को मिलकर रोकना होगा इस चीज को। बिल्कुल सत्या जी, बहुत महत्वपूर्ण राय आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सरकार, पुलिस प्रशासन और समाज सबकी जिम्मेदारी बनती है और सबको आगे आकर इसमें काम करना पड़ेगा, ये सत्या पाठक जी का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आरती यादव हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई हैं। आरती, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपकी क्या राय है, इसके पीछे की वजह क्या समझ पा रहे हैं आप? मुझे लगता है कि सर सरकार को और कड़े नियम बनाने चाहिए। फांसी के प्रावधान है लेकिन सरकार को और भी कड़े, ताकि ये सब रेप के केस और ना बढ़े। ठीक है आरती, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कड़ाई से पालन करना चाहिए और भी कड़े प्रावधान होने चाहिए। कुछ लोगों का अभी, जैसे बनारस से एक और हमारे साथ दर्शक थे शिवानी पाठक, उनका ये कहना था कि तुरंत ऐसे लोगों को पकड़कर फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे मामले सालों साल लटकते रहते हैं, सुनवाई होती है, इस कोर्ट से उस कोर्ट तक मामले फंस जाते हैं। तो कुछ राय ये भी आती है कि अगर कड़ाई से पालन किया जाए तब खौफ होगा और कुछ हद तक इस पर लगाम लग सकती है। आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय हम तक पहुँचाइए, आपकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और उस नंबर पर आप फ़ोन करिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए, क्योंकि मामला काफ़ी संवेदनशील है। एमपी की राजधानी भोपाल में 24 घंटे के अंदर चार नाबालिग बच्चियों के साथ रेप होता है। एक बच्ची तो प्रेग्नेंट भी हो गई है, वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी डरी हुई है, क्योंकि जो आरोपी है उसका रिश्तेदार है, परिचित है, वो डर के मारे उसका नाम भी नहीं ले पा रही थी, लेकिन जब प्रेगनेंसी की बात सामने आ गई तब जाकर पुलिस उससे बातचीत कर रही है, उसकी काउंसलिंग करा रही है, लेकिन अभी तक ड्रग्स की वजह से वो अपना मुंह नहीं खोल पा रही है। तो इस हद तक चीज़ें आगे आ रही हैं हमारे समाज में। और बाकी जो तीन चार और जो घटनाएं हुई थी उनमें एक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी शाहपुरा में पड़ोसी ने जाकर रेप कर दिया, बच्ची अकेले घर में पड़ रही थी। बजरिया में भी वही कहानी है, 15 साल की युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और दादी के साथ सो रही थी, इसके बाद पड़ोस के लोगों ने, रिश्तेदारों के साथ रेप कर दिया। निषादपुरा से भी ऐसी खबर, यहाँ पर 13 साल की बच्ची के साथ। अब आप सोचिए, 8 साल, 9 साल, 12 साल, 13 साल, 4 साल, इन नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है उस राज्य में जहाँ पर नाबालिग से रेप की सजा फांसी है। तो फांसी की सजा होने के बावजूद लोगों को कानून का खौफ नहीं है, इसके पीछे की वजह आप क्या समझ पा रहे हैं? आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर फोन करके अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि मामला काफी महत्वपूर्ण है। और आज के दिन 4 बजे पब्लिक कॉल वेव सीधे हम आपसे जुड़ते हैं और आपके साथ डिबेट करते हैं, आपकी राय लेते हैं। और आज हम रेप के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, आपकी क्या राय है, रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, भोपाल में एक दिन में 4 घटनाएं, इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है? सर, जो कुछ भी हो ये पूरा निंदनीय कृत्य है, ये पूरा पूरी तरह से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में। इससे आने वाली पीढ़ी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ। और इस पे सबको जागरूक होने की जरूरत है, प्रशासन के साथ साथ परिजनों को भी जानने की जरूरत है, जागरूक जरूरत है। और ज्यादातर मामले आपसी मामले हैं, इसमें सरकार का
जो है हस्तक्षेप कम ही हो पाता है, क्योंकि अपने परिवार, अपने परिजन, अपने रिश्तेदार ही ज्यादातर इन मामलों में है। तो ऐसे में सरकार, प्रशासन, पुलिस कहाँ तक किसको सुरक्षित सुरक्षा दे पाएगी, सबसे अहम बात ही हो जाती है। और जहाँ तक बात है शहरों में, स्कूल में, कॉलेज में, गलियों में, जंगलों में, रास्तों पर, सड़कों पर, इसी मामले जो है, इन सब के लिए जो आसपास के लोग हैं उन लोग भी जिम्मेदार हैं। उन लोग को देखना चाहिए कि किसके साथ कैसी घटनाएं घटनी है, इसका विरोध होना चाहिए। इस तरह से पुलिस प्रशासन उन जगह पे दे सकती है सुरक्षा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं के पुलिस की लापरवाही भी सामने आती है। अगर पुलिस सख्त होती तो ये छेड़खानी के मामले नहीं होते, रेप के मामले पे कम से कम लगाम लगती। हरदोई से अंजलि हमारे साथ हैं। अंजलि, आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? तो मेरी राय यह है कि हरदोई में बहुत ज्यादा रेप वगैरह हो रहे हैं और मतलब इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसके पीछे आपको लगता है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन का रवैया ढीला है या कोर्ट कचहरी के लंबा चक्कर पड़ जाता है, इस वजह से क्या दिक्कतें क्या आती हैं? पुलिस प्रशासन का रवैया बहुत ही खराब है हरदोई में। ठीक है अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं, लोक लाज के, समाज के डर से भी ऐसे मामले लोग पुलिस तक नहीं ले जाते हैं। और पुलिस का रवैया आप देखिए, अगर पीड़ित परिवार, पीड़ित लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है तो उसको तरह तरह के सवाल किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो ये एक लंबी लड़ाई होती है, एक तो उसके साथ रेप, उसके बाद इस तरह के तमाम सवाल करके, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर कटा के, उसके बाद एक तरीके से सोचिए मानसिक रेप कई बार किया जाता है, तो इससे भी लोग डरते हैं। लेकिन ये जो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? सरकार, पुलिस प्रशासन, समाज, हमारी सोच, कौन जिम्मेदार है? आप अपनी राय खुलकर हमारे साथ पहुंचाइए। सुमन हमारे साथ दरभंगा बिहार से हैं। सुमन जी, आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को बड़े से बड़े कदम उठाने चाहिए। आज भी जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनको वो सुरक्षित महसूस नहीं करती है। हमारे देश को ऐसा देश बनना चाहिए कि महिलाएं निडर होकर रात के 12 बजे भी कहीं पर भी घूम सकें, उनको किसी भी बात का कोई डर ना हो। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। बिल्कुल, हमने देखा है कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि महिलाएं, बच्चियां, उनको देवी के रूप में देखा जाता है। ये संस्कार हमारे हिंदुस्तान के, हमारे संस्कारों में है। लेकिन इन सब के बाद भी हम रेप के मामले में पूरी दुनिया की बात करें तो उसमें हम टॉप 10 में, टॉप 5 में हैं। तो ये फिर इन संस्कारों के बावजूद उसका असर नहीं हो रहा है? ये सर मानसिकता के, लोगों की मानसिकता पर ये चीजें बताता है कि लोगों की मानसिकता ऐसी है। कहने को तो हमारे देश में महिलाओं की पूजा की जाती है, लेकिन उसके बावजूद, इन सबके बावजूद रेप की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं वो बढ़ती जाती हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं। एक तरफ तो वो नारी की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उसी नारी का शोषण करते हैं। जी सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। ये भी एक बड़ी वजह है कि हम लोग दिखाने के लिए तो महिलाओं को, बच्चियों को हम लोग देवी का रूप मानते हैं, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही अभी तक इस आज की डिबेट में आई, सरकार एक नंबर पर जिम्मेदार, पुलिस, और इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा समाज भी आता है, क्योंकि ज़्यादातर मामले ऐसे नज़दीकी करीबी रिश्तेदार ही करते हैं। तो ऐसे में जो राय हम अपने बच्चियों को देते हैं, अपने बच्चों को भी राय देनी पड़ेगी कि आप दूसरे की बहन बेटियों को इज्जत दें, इसके बाद ही इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाया जा सकता है। इसी के साथ पब्लिक कॉल में आज इतना ही, कल एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।